22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। बंगाल की खाड़ी में फानी चक्रवात की आहट शुरू हो चुकी है और हवाओं की रफ्तार बढ़ने लगी है। फानी तूफान दोपहर 3 मई को उड़ीसा के पुरी से टकराएगा। इसके बचाव के लिए ओडिशा सरकार पूरे जोर शोर से तैयारी में जुटी है। NDRF की टीम छोटे छोटे दलों में बंटकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। फानी को देखते हुए 1 मई के ओडिशा की तरफ से आने वाली करीब 102 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 4 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। साथ ही बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले सभी उड़ानें 24 घंटे के लिए रद्द कर दिए गए हैं। इधर सेना और NDRF की टीमें अलर्ट पर हैं। ओडिशा सरकार ने अब तक 3,00,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। इस तूफान से निपटने के लिए करीब 11,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाना है। लोगों को रहने के लिए 5,000 शेल्टर होम तैयार किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग की है और सरकार के उच्च अधिकारी को निर्देश दिया है कि प्रभावी राज्य से संपर्क बनाएं और जरूरी सहायता मुहैया करवाएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना।